हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे से तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट फॉर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर। ये हमारा मॉक टेस्ट 5 रहने वाला है, जिसमें हम लोग आज आपकी रीजनिंग प्लस मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो क्वेश्चन हम लोग इसमें आपके लेटेस्ट जेकेएसबी बेस्ड पैटर्न पे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं और वो हम लोग इसमें प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक मॉक टेस्ट और आएगा, मॉक टेस्ट 6 जो है जनरल इंग्लिश का, ठीक है। तो 6 पोर्शन है आपके सिलेबस के, 6 मॉक टेस्ट हो जाएंगे आपके सेक्शनल, प्लस नेक्स्ट आपको 2 फुल मॉक टेस्ट मैंने 120 मार्क्स के आपको बोला हुआ है, प्रिपेयर हो चुके हैं, आपको बस रिकॉर्ड करना है और मैंने आपके लिए बना के आपको मिल जाएंगे भाई वो। तो अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आपसे मेरे को सजेशन लेनी थी, आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोग जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसका प्रीवियस ईयर पेपर पूरा मैं आपके साथ डिटेल्ड डिस्कशन करूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ सर हम लोगों को डिस्कस करना है वो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार जरूर बता दीजिए, जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ सर करना है। जितने ज्यादा बच्चे बोलेंगे तो वो भी आपको मैं एक बार अच्छे से प्रॉपर तरीके से बता दूंगा और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो चलो बाकी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, करते हैं हमारा सेशन आज का स्टार्ट। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीपीटी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन आपको लेटर सीरीज दैट इज नंबर सीरीज का है। यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो यहाँ सिंपल सा है, हमारे पास 1 का स्क्वायर, दैट इज नेक्स्ट इज 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और यहाँ 9 का स्क्वायर, नेक्स्ट है 11 का स्क्वायर। मतलब जो अपने ऑड नंबर है उनके स्क्वायर्स को आपको यहाँ पे लाइन अप कर रखा है। तो 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है भाई, 81 होता है, तो 81 ही है हमारा आंसर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लियर। अब इस क्वेश्चन के बाद जैसे ही आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तो आप लोगों को पॉज करना है, पहले खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसको खुद अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, वहां पे प्रैक्टिस करो, लिखो आपका जैसे आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर ये है इसका आंसर, तो देन आप लोग वीडियो प्ले करके आगे इसका उसकी एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, क्लियर है। चलो चलो भाई आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज सेकेंड, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। इस सीरीज में आपको रॉन्ग टर्म ढूंढनी है कि रॉन्ग टर्म इसमें कौन सी है। यस बताइए 6, 15, 35, 77, 165 या फिर 221। देखो ये सभी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये क्या हैं, आपको सारे के सारे क्या हैं, ये आपके प्राइम कंजिक्यूटिव नंबर्स, कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स जो है ना प्रोडक्ट हैं, वो 2 प्राइम कंजिक्यूटिव नंबर्स के आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट वाले की अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूँ, 2 × 3, ये क्या है आपके पास है? प्राइम नंबर्स हैं, क्या हो गया 6 हो गया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं 3 × 5, यस कितना हो गया 15। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं 5 × 7, क्लियर है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, दैट इज 7 × 11, कितना हो गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए 11 × 13, क्योंकि प्राइम नंबर्स की बात चल रही है, तो उसके बाद क्या आएगा आपके पास, दैट इज 13 × 15, क्लियर। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, बाकी सब तो सही बैठ रहा है, बट 11 × 13 आप अगर सॉल्व करेंगे जब, तो आपको 143 देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 165 है, तो ये आपका रॉन्ग सीरीज है, तो यहाँ 143 होना चाहिए। 165 ही वो गंदी मछली है जो इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को गलत कर रही है, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया है भाई, क्या है 165, क्लियर है। ये गलत है, इसकी जगह आपका 143 होना था, ठीक। चलो चलते हैं भाई अगले सवाल की ओर। यस अगला सवाल आपको मिसिंग नंबर बताना है कि क्या होने वाला है यहाँ पे, मिसिंग नंबर क्या है। यस बताइए 3, 7, 15 मिसिंग नंबर, देन 63, देन 127। यस बताओ भाई क्या है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो आपका सीरीज है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से और प्लस करना है 1, कितना हो गया 6 + 1 आपका आ जाएगा 7, 7 × 2 + 1 15, 15 × 2 + 1 कितना हो जाएगा भाई
यस 31 आपका होगा आंसर। अब ये फाइनल आंसर तो हमें पता चल गया 31, बट इसको क्रॉस चेक भी तो करना है क्या ये सही है या नहीं। 31 इंटू 2 प्लस 1 क्या ये 63 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर यही है भाई। क्लियर है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इसी बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, चलो आ जाओ यहाँ पे देखो भाई, ई एल एफ ए जी एल एच ए आई एल जी ए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर अगेन ब्लैंक सीरीज है, यहाँ पे आपको बताना है क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ से सीधा डायरेक्टली दिमाग लाएंगे ई एफ जी एच आई जे, तो आपके पास के, देन एल तो है अपने पास, देन के एल एम एन, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड लेटर तो आपके पास आ जाएगा के और एल। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर के एंड एल, यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर मिल चुका था। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ एल और ए की, ये आपका कॉमन है सभी सीरीज में, तो यहाँ पे भी आपका एल एंड ए कॉमन होगा, तो आपका आंसर क्या है, के एल एल ए, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सेकेंड्स में निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट आपने नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक, समझ आई कैसे हुआ, तो ये टू द पॉइंट आंसर थे, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। चलिए आ जाओ भाई अगले सवाल पे, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, सी एम एम ई ओ ओ जी क्यू क्यू अगेन ब्लैंक सीरीज और के यू यू। यहाँ पे एक चीज़ आपको पता करनी है, सिर्फ आपको फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर पता चल गया, थर्ड सेकंड एंड थर्ड लेटर आपका रिपीट हो रहा है, ये दोनों आपके सेम ही होंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सी डी को स्किप किया ई आ गया, एफ को स्किप किया जी आ गया, जी के बाद एच को स्किप करेंगे तो क्या आएगा आई, तो हमारा नेक्स्ट आएगा आई। क्लियर, आई आपका दो में है, मतलब बी एंड ए तो आपका नहीं होने वाला आंसर, तो यहाँ से तो आपका 50% काम खत्म हो गया। नेक्स्ट आपको क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, एम एन स्किप किया ओ आ गया, एन एम एम एन ओ पी क्यू आ गया, ठीक है पी को स्किप किया क्यू आ गया, क्यू के बाद आर, आर को स्किप कर दिया क्या आ गया एस, तो यहाँ रिपीट हो रहा है एस, तो एस एस होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर समझ आई। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यस, डायरेक्शन सेंस इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपसे जेकेएसएसबी पक्का पूछेगा ही पूछेगा, ये मेरे से आप लिख के ले लो, अभी लिख के दे रहा हूँ गारंटीड। ये आपको डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन, ये दो पे आपके बेस्ड नंबर सीरीज की, सभी सीक्वेंस में आपको आएंगे ही आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग, तो हर एक पैटर्न बेस्ड आपको यहाँ पे अभी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। चलो आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं भाई डायरेक्शन सेंस पे बेस्ड। यहाँ क्या बोला गया है, मोहन, ठीक है मोहन वॉज फेसिंग टू ईस्ट, यहाँ किसकी बात हुई, मोहन की बात हुई, यहाँ पे कौन है, मोहन है भाई, कहाँ को फेस है इसका, ईस्ट की तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है भाई, तो ये मोहन कहाँ यहाँ खड़ा है, यहाँ से इसका फेस कहाँ है, ईस्ट की तरफ। इन्होंने क्या बोला, ही वॉक्ड 4 किलोमीटर फॉरवर्ड एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, ठीक है यहाँ से ये कहाँ गया, सामने गया कितना 4 किलोमीटर, क्लियर है, टर्निंग टू हिज राइट, तो ये इसने राइट लिया भाई, राइट लेके कितना चला 3 किलोमीटर चला, ओके जी, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, यहाँ से लेके जब ये साउथ की तरफ चला तो यहाँ से राइट लेगा, ये राइट लेके कितना चला है भाई, 4 किलोमीटर चला है, ओके कितना चला है 4 किलोमीटर चला है, आफ्टर ही टर्न हिज बैक, ठीक है तो यहाँ से इधर को मुड़ा था ये वेस्ट की तरफ, तो इन्होंने बोला था ये क्या, यहाँ पहुँचने के बाद ये वापस को मुड़ गया, वापस मुड़ को मुड़ के देखने लगा, ठीक है विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट द टाइम, तो यहाँ से ये दोबारा कहाँ देख रहा है, तो ये ईस्ट की तरफ ही देख रहा है भाई, तो आपको डायरेक्शन बतानी थी, तो ईस्ट की तरफ ये इसका फेस है। क्लियर है समझ आई, ए हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। ठीक, चलिए आ जाओ अगले सवाल पे भाई, अगेन आपका डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से आपके क्या पूछा गया है भाई, यहां आपको बोला गया है साइक्लिस्ट है एक, ठीक है साइक्लिस्ट की मूवमेंट आपको बताना है, साइक्लिस्ट ने स्टार्टिंग पॉइंट कहां था, जीरो से एंड पॉइंट कहाँ जाएगा, वो सारी चीज़ें देखने के बाद इसने पूछा है कि भाई जो साइक्लिस्ट का डिस्टेंस है वो कितना डिफर कर रहा है दोनों का, तो ये आपको यहाँ से बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूर है। ठीक, चलो पहले देख लेते हैं डायरेक्शन सारा कुछ भाई, साइक्लिस्ट गोज टू 30 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से ये गया कितना भाई आपका 30 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ, ठीक है जी, देन टर्निंग टू ईस्ट, उसके बाद ये कहाँ चला गया, ईस्ट की तरफ टर्न किया, कितना चला 40 किलोमीटर चला,
ठीक है, मान लिया जी। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, यहां से ये राइट लिया और कितना चला, 20 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, 20 किलोमीटर चल दिया भाई, मान लिया जी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट, यहां से इसने क्या लिया, राइट लिया। कितना कहां मुड़ा भाई ये, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू राइट एंड कितना चला भाई, 40 किलोमीटर। तो ये भी 40 था, ये भी 40 ही है, तो ये 30 था। ठीक है, तो यहां पे कितना लिया, ये 40 किलोमीटर तक ये चला। अब अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है। यस, ये आपसे पूछा गया है साइक्लिस्ट के बारे में। तो साइक्लिस्ट कितने दूर है भाई, यहां से 40 चला, यहां से 40 चला, यहां कितना था, यहां से 30 चला था और यहां से 20 चला था। तो सिंपल सा है, 30 किलोमीटर में से 20 निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है। यहां से स्टार्ट किया था ना इसने, तो ये कितना है 30, तो यहां कितना है ये 20, इसके ऊपर वाला कितना चला है 20 चला है ना ये, तो बाकी का यहां कितना बच जाएगा आपका, 10 किलोमीटर है ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। क्लियर, इजी क्वेश्चन था भाई ये, क्लियर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो, इंट्रोड्यूसिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन की तरफ इंट्रोड्यूस करते हुए एक मैन बोला, हर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर, हर मदर्स हस्बैंड, हर मदर्स हस्बैंड कौन हुआ भाई, तो मतलब कि किसकी बात कर रहा है, अपने बाप की बात कर रहा है। ठीक है, हर मदर्स हस्बैंड, तो उसका हस्बैंड कौन होगा, फादर हो गया, यहां तक तो लिख लो भाई, फादर। हस्बैंड सिस्टर, हस्बैंड सिस्टर आंट हो गई, बुआ हो गई इसकी, तो ये तो इन्होंने बता रखा है इसकी क्या हुई, आंट हुई। ठीक है, हाउ मैन इज रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है, तो भाई उसके माँ के हस्बैंड की बहन उसकी आंट हुई, तो इसकी भी तो आंट हुई, तो ये क्या लगा उसका, ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो भाई वो जो बंदा है ये इसका भाई है, अपनी बहन की तरफ पॉइंट करके बोल रहा था, तो ये ब्रदर सिस्टर हैं। क्लियर है, ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, पहले आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, देन यहाँ पे आंसर सुनिएगा। क्लियर, चलो, लीला हु इज सोहन्स डॉटर, ठीक है, क्या बोला गया है, ये सोहन है आपका कोई, ये इसकी डॉटर कौन है भाई, आपकी लीला। ओके, लीला इसकी डॉटर है, ठीक है। नेक्स्ट, सेज लतिका, लतिका ने बोला, योर मदर अलका, तो लतिका ने क्या बोला, इसकी माँ अलका, सोहन की बीवी कौन हुई भाई, दैट इज अलका। ओके, योर मदर अलका इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ गंजनन। क्लियर, इसने क्या बोला, आपकी जो माँ है, ठीक है, अलका, उसकी जो यंगर सिस्टर है वो यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, मेरे बाप की वो यंगर सिस्टर है जो थर्ड चाइल्ड है किसकी, गंगा जनन की, किसकी, गजनन की, गजनन की। तो अब इन्होंने बोला है गजनन का रिलेशन क्या है लतिका से। अब ओवरऑल यहाँ पे क्या है, आप लोग हो रहे होंगे कंफ्यूज, ठीक है, अलका क्या है भाई, यहाँ पे अलका क्या है, क्या है, सिस्टर है किसकी, यहाँ पे आपको सामने सामने क्या है, अलका यहाँ पे क्या है, सिस्टर है किसकी भाई, सोहन की, ठीक है, सोहन की सिस्टर है, और सोहन क्या है, थर्ड चाइल्ड है किसका, गजनन का, ठीक है, गजनन का क्या है, ये थर्ड चाइल्ड है। ओके, अब गजनन का ये थर्ड चाइल्ड है, तो यहां पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गजनन एंड लतिका, लतिका और गजनन के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो जो अलका है वो क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी आपकी गजनन की, गजनन की डॉटर होगी, और लतिका जो है वो डॉटर है अलका की, ठीक है, लतिका कौन है भाई आपकी, वो डॉटर है किसकी, अलका की, तो अलका की डॉटर लतिका होगी, लतिका किसकी बेटी होगी, गजनन की होगी, तो लतिका का गजनन के साथ क्या रिलेशन है भाई, तो वो आपकी ग्रैंडफादर हुआ ना उसका, नाना हुआ ना उसका, तो क्या हुआ, ग्रैंडफादर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इट्स ग्रैंडफादर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ट्रिकी है थोड़ा सा बस। ओल्ड मैंस सन इज माई सन्स अंकल, ठीक है, देन वॉट रिलेशन इज द ओल्ड मैन विद मी, ओल्ड मैन के साथ मेरा क्या रिलेशन है, ये इन्होंने बोला है यहाँ पे भाई। देखो, ओल्ड मैंस सन इज माई सन्स अंकल, ठीक है, अब उसके ओल्ड मैन जो है वो क्या है, ओल्ड मैन का जो बेटा है, ओल्ड मैन का सन है जो, ठीक है, वो इन्होंने क्या बोला है, उसके सन का क्या है, अंकल है, तो मतलब उसके सन का जो अंकल होगा वो इस बंदे का क्या लगा, भाई लगा, ठीक है, ब्रदर लगा, और ओल्ड मैन का सन और ये जो इसका सन का अंकल है वो दोनों क्या है, भाई हो गए, ब्रदर्स हो गए। अब नेक्स्ट इनमें क्या बोला है, ओल्ड मैन से सन इज माय ब्रदर, हेंस उसका जो ओल्ड मैन है उसका वो भाई है, तो वो जिस ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं वो क्या लगेगा, इनका
फादर, तो वो दोनों क्या थे, भाई थे जो आपस में बात कर रहे थे. ओल्ड मैन्स सन इज माई सन्स अंकल, ओल्ड मैन का बेटा जो है वो मेरे बेटे का अंकल है. तो ओल्ड मैन का सन और ये जो उसके बेटा है, तो वो दोनों क्या लगे, भाई लगे. तो भाई तो अंकल की बात की गई, तो वो कौन है भाई, रिलेशन ओल्ड मैन के साथ क्या है, इसका बाप बेटे का रिलेशन है. सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, फोकस करना था, आपका आंसर आ जाता भाई. चलिए नेक्स्ट आ जाओ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे. यस, सम रेजेस आर प्रमोशंस, कुछ रेजेस जो हैं वो आपकी क्या होती हैं, प्रमोशंस होती हैं. ठीक है जी, ऑल प्रमोशंस आर हाइक्स, ठीक है, ऑल हाइक्स आर एडवांस. ओके जी, सम हाइक्स आर रेजेस, बिल्कुल सही कहा है इसने. सम एडवांसेस आर नॉट प्रमोशंस, ठीक है, ऑल हाइक्स आर क्या बोला गया है, एडवांसेस बोला गया था. यहाँ पे सम एडवांसेस आर नॉट प्रमोशन, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ जो एडवांसेस हैं वो आपकी क्या होती हैं, एडवांसेस नहीं, और कुछ एडवांसेस जो सभी जो एडवांसेस हैं वो आपकी प्रमोशन नहीं होती. तो बिल्कुल दोनों की दोनों आपके पास यहाँ पे कंक्लूजन सही हो रही है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दैट्स ई, बोथ वन एंड टू फॉलोस. क्लियर, चलिए आ जाओ नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे. इस पे बेस्ड आजकल क्वेश्चन जीकेएस भी बहुत ज्यादा पूछ रहा है. ठीक है, ऑल फैंस आर लैम्प्स, सम लैम्प्स आर बर्ड्स. ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जितने भी फैन हैं वो क्या है, लैम्प्स हैं, बट कुछ लैम्प्स जो हैं वो बर्ड्स हैं. यहाँ पे क्या है, सम बर्ड्स आर फैंस, ओके, ऑल फैन बींग बर्ड्स इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है भाई, यहाँ पे कुछ बर्ड्स जो हैं वो फैन हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, All fans are lamps. जितने भी फैन हैं वो क्या है, lamps हैं, but some lamps are birds. मतलब कि पहली स्टेटमेंट तो आपकी हो रही है सही. तो अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या हो रहा है आपके पास, All fan being bird is a possibility. बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी भी है आपके पास, बट सम बर्ड्स आर फैन, यहाँ पे आपके पास ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं नजर आ रही भाई. यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है कि आपकी जो सारी कुछ बर्ड्स आपकी फैन है, ये नहीं बोला है. यहाँ पे कुछ फैन जो हैं वो बर्ड्स होने की पॉसिबिलिटी है, ये आपकी करेक्ट हो रही है. तो कंक्लूजन सेकेंड आपकी फॉलो कर रही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. क्लियर है, ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे. ठीक है, आ जाओ अगला सवाल क्या है भाई आपके पास, कोडिंग डी कोडिंग का है. यहाँ पे डस्ट इज कॉल्ड एयर, ठीक है, जो डस्ट है, ओके, डस्ट को क्या कह रहे हैं भाई हम लोग यहाँ पे, हवा. ठीक है, और हवा को क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पे, फायर, आग कह रहे हैं. और फायर को क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पे, वाटर, ओके, और वाटर को क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पे, कलर. क्लियर, कलर इज कॉल्ड रेन, और कलर को क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पे, रेन कह रहे हैं, ओके. रेन इज कॉल्ड डस्ट, अब अगेन रेन को क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पे, डस्ट. ठीक है, ये आपके हो गए हैं सारे के सारे जो यहाँ पे स्टेटमेंट के बेस्ड हमारे सॉल्यूशंस फैक्ट्स निकल सकते थे. अब इन्होंने पूछा है फिश कहाँ पे रहती है, फिश कहाँ रहती है भाई, पानी में रहती है. कहाँ पे रहती है, पानी में रहती है. तो यहाँ पे फायर क्या है, वाटर है, तो फिश कहाँ रहेगी आपकी, फायर में रहेगी. सिंपल सा आंसर था भाई. ठीक है, कहाँ पे रहेगी फिश, फायर, नहीं नहीं फायर वाटर बोला गया है ना यहाँ पे, तो वाटर क्या है यहाँ पे, कलर है, तो ऑप्शन सी है भाई ये करेक्ट आपका. क्लियर, यहाँ वाटर तो कहाँ पे रहती है, वाटर में रहती है ना, तो वाटर आपका क्या है, कलर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज कलर. फिश कहाँ पे रहती है, कलर में. कलर यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है हमें, वाटर. वाटर क्या है, वाटर कलर है. ठीक है, तो फिश कहाँ रहेगी भाई आपका, पानी में रहेगी. चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई. अगेन इरेजर इज कॉल्ड पेंसिल, इरेजर को हम लोग पेंसिल कहते हैं. क्लियर, पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर, पेंसिल किसको कहते हैं, शार्पनर. एंड शार्पनर इज कॉल्ड बैग, शार्पनर को हम लोग बैग कहते हैं. व्हाट विल चाइल्ड राइट विद, बच्चे किससे लिखते हैं, पेंसिल से, और पेंसिल को हमने यहाँ पे क्या बोला है, शार्पनर बोला है, तो बच्चे शार्पनर से लिखेंगे. क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर. अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, इफ लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, लाइट को क्या बोलेंगे, मॉर्निंग कहते हैं. मॉर्निंग को हम लोग कहते हैं डार्क, डार्क को हम लोग कहते हैं नाइट, नाइट को हम लोग कहते हैं सनशाइन, और सनशाइन को कहते हैं डस्क. व्हेन डू वी स्लीप, हम कब सोते हैं, नाइट में सोते हैं, तो नाइट को यहां पे क्या बोला गया है, सनशाइन बोला गया है, तो हम लोग सनशाइन में सोते हैं. ओके, क्योंकि सनशाइन को यहां पे क्या मेंशन किया गया है भाई, एज अ नाइट. ओके,
तो ना रात को सोते हैं, रात यहाँ पे सनशाइन मेंशन करा गया हुआ है। ठीक है, समझ आई। चलिए अब चलते हैं भाई अगले सवाल की ओर। यहाँ पे आपको फोर पेयर्स दिए गए हैं वर्ड्स के, जिसमें आपको ऑड वन आउट करना है। एक जो आपका पेयर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वो आपने पहचानना है कौन सा पेयर है। फिश एक्वेरियम, बर्ड नेस्ट, स्टूडेंट टीचर, क्रिमिनल्स प्रिजन। अब यहाँ पे आप चीज क्या देखोगे, यहाँ मेन चीज क्या है, जो आपको पहली वाली दे रखी है, ठीक है, फर्स्ट वन वो आपकी कैप्ट होती है सेकंड वन में। मतलब फिश आपकी कहाँ रखी जाती है, एक्वेरियम में, ये तो सही है। बर्ड आपकी कहाँ जाती है, नेस्ट में, सही है। क्या स्टूडेंट टीचर में रखा जाता है, नहीं भाई। और क्रिमिनल कहाँ, प्रिजन में, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्टूडेंट एंड टीचर, क्योंकि फिश को हम एक्वेरियम में रखते हैं, बर्ड को नेस्ट में, बर्ड्स कहाँ रहती हैं, नेस्ट में रहती हैं, क्रिमिनल्स को कहाँ रखते हैं, प्रिजन में रखते हैं, बट स्टूडेंट को टीचर्स में थोड़ी रखते हैं, टीचर तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर। चलो आ जाओ भाई अब लोग हमारा मैथ्स के पोर्शन पे। मैथ्स का आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का जो पोर्शन है वो आपका दे रखा है आपके सिलेबस में, तो उस पे बेस्ड में आपको यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो लेंथ बता दी है ट्रेन की, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ए प्रति घंटा 90 किलोमीटर ये चलती है। इट विल क्रॉस रेलवे प्लेटफॉर्म 230 मीटर लॉन्ग इन, 230 मीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है आपके पास, 120 मीटर लॉन्ग आपको ट्रेन दे रखी है और स्पीड आपको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर की, तो वो रेलवे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगा ये आपको बता रखा है, 4/5 सेकेंड, 9.5 सेकेंड, 7 सेकेंड या फिर 14 सेकेंड में। यस, देखो हमें ये कैसे पता चल जाएगा, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, हमें लेंथ पता होगी किसकी, ट्रेन की, ठीक है, ट्रेन की लेंथ पता हो, प्लस हमें क्या पता हो भाई, प्लेटफॉर्म की लेंथ पता हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी पता होगी, उसके बाद हम इसको किससे, जो स्पीड है उससे अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा कि भाई किस टाइम पे वो वहां से क्रॉस कर जाएगी। तो हमें ट्रेन की लेंथ कितनी दी गई है भाई, 120 किलोमीटर, प्लस प्लेटफॉर्म की कितनी दी गई है भाई, 230 मीटर, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आपके पास स्पीड दी गई है भाई कितनी, 90 किलोमीटर, ओके, प्रति घंटा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या निकल के आएगा भाई, 350 इंटू 18 अपॉन 90 इंटू 5, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 14 सेकेंड, तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा भाई, 14 सेकेंड में ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी ट्रेन, क्लियर है, समझ आई। तो 14 सेकेंड में, दैट्स इन जस्ट 14 सेकंड में ये आपका प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी, ठीक है, विद सॉल्यूशन आपको पीपीटी मिल जाएगी सारी चीजें, क्लियर। चलो जी, अगेन आपको ट्रेन का क्वेश्चन, टू ट्रेन्स, एक 180 मीटर लंबी है और एक 120 किलोमीटर, एक 120 मीटर लंबी है लेंथ है इनकी, ठीक है, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ रनिंग हो रही है पैरेलल ट्रैक्स पे, अलग अलग ट्रैक है उनका, पैरेलल ट्रैक है, एट द रेट ऑफ 65 किलोमीटर पर आर एंड दूसरी वाली आपकी 55 किलोमीटर पर आर, इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कितने सेकेंड्स में ये क्रॉस करेगी जब ये एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है आपसे पैरेलल ट्रैक, यहाँ से एक आ रही है, ठीक है, और यहाँ से एक आ रही है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगी आपस में, क्लियर, यहाँ पे आते आते यहाँ इस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ पैरेलल मिल जाएंगी, तो अब इन्होंने बोला है ये जब यहाँ जाएगी, ये जब यहाँ से एक दूसरे को क्रॉस करेगी कितना टाइम लगेगा इनको, तो वो आपको टाइम यहाँ पे बताना है। चलिए इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि कितना टाइम इनको लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए भाई, टाइम टेकन बाई ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये हमें निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेंथ दोनों ट्रेन्स की दी गई है, कितनी कितनी है भाई, 180 प्लस 120, दोनों की इतनी ही है, प्लस स्पीड हमें दी गई है, एक की है 65, दूसरे की है आपके पास 55, ठीक है, यही है आपके पास। देन फर्दर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, 300 अपॉन 120 इंटू 5 अपॉन 18, ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 सेकेंड। इन 9 सेकेंड
दे बोथ विल क्रॉस ईच अदर, ठीक है, जब ये मूवमेंट एक मूवमेंट पे जब ये दोनों मिलेंगी उसके बाद जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इनको कितना टाइम लगेगा भाई, जस्ट 9 सेकंड में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके पास दिया गया है भाई। क्या बोला गया है, अ डिस्टेंस इज कवर्ड बाई साइक्लिस्ट, ओके, एक साइक्लिस्ट है उसके द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है सर्टन स्पीड के ऊपर, ओके, इफ अ जॉगर कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन डबल टाइम, जॉगर वही डिफरेंस, वो हाफ डिस्टेंस आपका कवर कर रहा है कितने में, डबल टाइम में, तो आपको रेशियो बताना है स्पीड का, किसका, जॉगर और साइक्लिस्ट का, जॉगर और साइक्लिस्ट दोनों की स्पीड का आपको क्या बताना है भाई, यहाँ पे रेशियो बताना है स्पीड का, क्लियर। पहले आपको रेशियो पता होना चाहिए किसका, ठीक है, रेशियो पता होना चाहिए पहले आपको डिस्टेंस का, ठीक है, दोनों की डिस्टेंस का रेशियो पता होगा, देन आपके पास यहां पे क्या आएगा, रेशियो पता होगा आपको टाइम का, क्लियर, तभी तो आप रेशियो निकाल पाओगे किसका, जो इन्होंने पूछा है स्पीड का, ठीक है, ये तो आपसे पूछा है, ये तो आपको पता है ना। अब यहां पे कौन कौन है, एक है आपके पास साइक्लिस्ट, एक है आपके पास जॉगर, ओके, साइक्लिस्ट का क्या टाइम दे रखा है हमारे पास, ठीक है, वो एक्स वाई जेड जितना भी डिस्टेंस लेता है उन्होंने बोला जॉगर उसका हाफ करता है, मान लो ये आपका 2 है और जॉगर उसका हाफ ही करता है कवर, यही बोला है, और टाइम साइक्लिस्ट को कितना लगता है, जॉगर से हाफ लगता है, जॉगर यहां पर टाइम डबल ले रहा है, यही था आपके पास सिचुएशन। अब हमारे हमें क्या निकालना है, रेशियो किसकी, स्पीड की निकालनी है, जॉगर और साइक्लिस्ट की, यहां पे आ जाएगा आपके 1/2 किसका, जॉगर का, रेशियो 2/1 ये किसका हो गया, साइक्लिस्ट का, ठीक है, तो यहां पे फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1:4 हो जाएगा आपका इनका किसका, दैट इज रेशियो ऑफ स्पीड, ठीक है, 1:4, तो 1:4 है आपका करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई, समझ आया, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको यहाँ पे दिमाग पे फोकस करना होता, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम था, 2 मिनट में फॉर्मूला लगाना था और आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ जाता, क्लियर है भाई। तो ये था आज का सेशन हमारा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का, रीजनिंग के 2-3 मैराथन सेशन में ऑलरेडी ले चुका हूं, अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग एंड मैथ्स, ये दोनों जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा होता जाएगा ये पोर्शन, क्लियर। इसकी भी पीपीटी विद एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको लास्ट जो हमने प्रीवियस मॉक टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी 4, ये हमारा है 5वां, ठीक है, तो वो 4 मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट 4K+ लोगों ने देख चुके हैं, तो आप भी जाके उसको देखिए, प्लस आपको खुद ही डिफरेंस फील होगा कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन मैंने फ्रेम करे हैं आपके लिए और किस प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन वहां पे दी गई है हर एक ऑप्शन की, क्लियर। तो मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, मस्ट हैव लेक्चर्स हैं वो जरूर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मैं बना के दे दी है, यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो वहां पर प्लेलिस्ट में आपको सीधा मिल जाएगा मॉक्स फॉर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, वो मॉक्स जरूर से देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले। बाकी यहां से आप जब ज्वाइन करेंगे तो उनकी पीपीटी भी मिल जाएगी आपको, प्लस इस लेक्चर की भी पीपीटी सेशन के एंड में मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी जाके आप लोग डाउनलोड करके घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, प्लस फर्दर ऐड ऑन कर दूंगा, 10-15 क्वेश्चन में ऐड ऑन करके दे दूंगा, वो आप लोग घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा है इंस्टा और ट्विटर का हैंडल, यहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन हम लोग वहाँ जाके रिवाइज करते हैं डेली के बेसिस पे, कोई डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो आपको तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज हमें बता सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन हमारा रहने वाला है भाई जनरल इंग्लिश का, तो इसको भी मिस आउट नहीं करना, क्योंकि जनरल इंग्लिश के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ में रिवाइज करेंगे, क्लियर है, क्या करेंगे, साथ साथ में रिवाइज करते चलेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो कल 9:30 का सेशन जो रहने वाला है वो होगा जनरल इंग्लिश का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, क्लियर है, अगर आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि भाई हम लोग क्या इंप्रूवमेंट करें वीडियोस में, तो जो आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे। मेरा मेन मुद्दा यह है कि वीडियो जितनी छोटी रहे उतना अच्छा है, बट नॉलेज उसमें जितना ज्यादा हो सके वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं, ठीक है। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि जो भी हमारी वीडियोस आए आप तक वो पहुंच जाएं और आपको नोटिफिकेशन
अच्छा ठीक है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा मुझे कि भाई आपको वीडियोस हमारी कैसी लग रही हैं। अगर थोड़ा बहुत आप चाहते हो कि सर ये इम्प्रूवमेंट कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा लैक है, तो आप लोग हमें ज़रूर से बताइए, क्योंकि हम लोग फैमिली हैं। ठीक है, तो फैमिली ऐसे ही चलती है, एक दूसरे को बता के कहाँ पे हमें हमें कमी है तो हम आपकी पूरी करेंगे। तो हम आपके लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं कि भाई कोई भी डाउट हो आपका तो वो हम लोग क्लियर कर सकें। बाकी आपका भाई आपके साथ हमेशा कनेक्टेड है, कनेक्टेड था और कनेक्टेड रहेगा। कभी भी आपको कुछ भी स्टफ फाइनेंशियल रिलेटेड हेल्प चाहिए, एजुकेशन रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप सीधा टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो नंबर आप सभी के पास है, कॉल भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई कॉल जितना कम हो सके तो कॉल कम कीजिएगा, आप लोग डायरेक्टली मैसेज मुझे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।